हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए पैर यानी कि नाशपाती की चटनी। ये एक बहुत ही यम्मी और खट्टी मीठी चटनी है जिसे आप चावल, ब्रेड, पराठा, रोटी, सैंडविच, कटलेट वगैरह के साथ कंबाइन करके बच्चे को दे सकते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पैर यानी कि नाशपाती, तकरीबन 1 चम्मच किशमिश जिसे मैंने धो के भिगो के 20 मिनट के लिए रख दिया था, नींबू, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, 2 चुटकी हींग, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 2 चुटकी भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच देसी घी। सबसे पहले हम नाशपाती का छिलका उतारे बिना इसे छोटे पीसेस में काट लेंगे। नाशपाती के छिलके में होता है ढेर सारा न्यूट्रिशन जिसे मैं मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे छिलके के साथ काट रही हूँ। इसे काट के मैंने रेडी कर लिया है, अब मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगी अपने ग्राइंडिंग जार में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे भीगी हुई किशमिश उसी पानी के साथ जिसमें हमने उसे भिगोया था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से फायदा ये होता है कि अदरक अच्छे से पिस जाती है और बाद में बच्चे के मुंह में नहीं आती। अब हम इन तीनों को ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक पैन, पैन में देसी घी डाल के घी को गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डालेंगे हींग और ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। पेस्ट को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, गुड़ और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम पैन को कवर करके गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4-5 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा के इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस और उसे भी एक बार इस पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी नाशपाती की चटनी बनके एकदम तैयार है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। यूं तो आप ये चटनी इजीली 1 साल से बड़े बच्चे को दे सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल से छोटे बच्चे को ये चटनी दें तो आप उसमें नमक ऐड मत करिएगा, तो आप 9 महीने से ऊपर के बच्चे को ये चटनी खिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस हेल्दी और यम्मी रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स से शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके।